Good morning, dear student. As you know, we have started chapter number 10, reaching the age of adolescence. Means, जब हम adolescence की age में पहुँचते हैं, तो हमारी body में जो changes होते हैं, जो हम feel करते हैं, because you are in the age of adolescence, तो उस changes में हम क्या-क्या feel करते हैं, उसी चीज़ को हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. We have just started in our last video. I am just revising. That adolescence मैंने आपको बताया था adolescence it is a period of life जिसमें body में कुछ changes आते हैं lead to the maturity और ये जो adolescence का time होता है ये time आपका 11 year से 19 year तक का होता है and the age जो बच्चे हैं जो 11 से 19 year के बीच के होते हैं these are known as teenagers ठीक है फिर हमने puberty पढ़ा था puberty means कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी का मींस होता है कि जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स में रिप्रोडक्शन के मोड करेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं उनको हम कहते हैं प्यूबर्टीज ठीक है मींस प्यूबर्टी का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि गर्ल और बॉय में रिप्रोडक्शन की पूरी मैच्योरिटी आ जाए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाए वो प्यूबर्टी होती है ठीक है और नेक्स्ट हमने चेंजेस इन प्यूबर्टी पढ़ा था कि किस तरीके से प्यूबर्टी में हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसमें फर्स्ट हमने लिया था इंक्रीज इन हाइट ठीक जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन द एडोलेसेंस टाइम जो हमारी हाइट है वो इंक्रीज होती है और मोस्ट ऑफ द हाइट जो है हम अपनी गेन करते हैं इस एडोलेसेंस प्यूबर्टी टाइम में ठीक बॉयज़ में ये ग्रोथ कम होती है स्टार्टिंग में और बाद में ज़्यादा होती है और गर्ल्स में स्टार्टिंग में ही हाइट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है दैट मीन्स अप टू 14-15 जो है गर्ल्स अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेती हैं ठीक तो आज हम उसका नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारा है चेंज इन बॉडी शेप तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस टाइम बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में क्या क्या बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे जैसे बॉयज़ में सबसे पहले द सोल्जर्स बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम वाइडर बॉयज़ में क्या होता है जो सोल्जर्स हैं हमारे वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं ब्रॉडर होने लगते हैं ये कब 11 ईयर से 19 ईयर के बीच में और चेस्ट भी जो है वो वाइडर होने लगती है और जो बॉडी के मसल्स हैं उनमें भी ग्रोथ होने लगती है आप दिखाते हैं ना अपनी मसल्स कितनी हमारी डेवलप हो गई तो मसल्स की सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो 11 से 19 ईयर के बीच में होती है क्लियर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट गर्ल्स गर्ल्स की बॉडी में बॉडी शेप में क्या चेंजेज होते हैं गर्ल्स की बॉडी शेप में सबसे पहले द रीज़न बिलो वेस्ट बिकम वाइडर कमर के नीचे का जो पोर्शन है वो वाइड होने लगता है धीरे धीरे ठीक द मसल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो प्रोमिनेंटली मीन्स गर्ल्स की बॉडी की मसल्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली ग्रो नहीं करती हैं बट बॉडी का जो शेप है वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे तो ये बॉयज़ के केस में सोल्जर जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं गर्ल्स के केस में जो वेस्ट के नीचे वाला पोर्शन है हिप वाला जो पोर्शन है वो वाइडर होने लगता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं वॉइस चेंज मीन्स आवाज़ बदल जाती है ठीक एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगेन टू ग्रो लैरिंग्स क्या होता है बेटा लैरिंग्स होता है हमारे गले पे गले पर एक बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स ये वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है साउंड का जहाँ से वाइब्रेशन होता है तो बॉयज़ और गर्ल्स में ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस होते हैं पहला है जैसे बॉयज़ में बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स दे हैव ए डीप एंड हार्स वॉइस द लैरिंग्स इज विजिबल क्लियरली बॉयज़ के केस में जैसे ही प्यूबर्टी 11, 12, 13, 14 ईयर में जिस एज में आप अभी हो इसमें अचानक से क्या होता है आवाज़ बॉयज़ की बहुत भारी भारी सी होने लगती है बहुत मोटी हो जाती है थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है क्योंकि जब 6 to 10th ईयर के होते हैं
अप टू प्राइमरी या सिक्स क्लास तक क्या होता है, आवाज़ बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती है बॉयज़ की, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है उनकी आवाज़ में भारीपन आने लगता है बिकॉज ऑफ वॉइस बॉक्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगी लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहाँ होता है इसके बाद नेक्स्ट। और गर्ल्स के केस में जो है हार्डली ये विजिबल नहीं होता है, आप देख नहीं सकते हैं, और गर्ल्स का जो वॉइस होता है वो हमेशा हाई पिच्ड मतलब पतली होती है गर्ल्स की आवाज़। ठीक, पिच मीन्स होता है कि हाई पिच का मतलब बहुत पतली आवाज़। जैसे अगर हम कंपेयर करें कि मॉस्किटो और लॉयन, अगर किसकी साउंड का पिच ज़्यादा है तो मॉस्किटो की साउंड का पिच ज़्यादा होता है, लॉयन की साउंड का पिच कम होता है। जिसकी आवाज़ का पिच कम होगा उसकी वॉइस बहुत मोटी होगी, और जितना हाई पिच होगा उसकी आवाज़ उतनी ही पतली होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। हम एडम्स एप्पल, जो लैरिंग्स जो मैंने आपको बताया उसी को हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ठीक, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रॉट कॉल्ड एडम्स एप्पल। आप देखिए गले के नीचे यहाँ पे जब आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको कुछ उभरा हुआ सा फील होगा, दैट इज एडम्स एप्पल, और इसी के अंदर होता है वॉइस बॉक्स। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये एडम्स एप्पल अपीयर नहीं होता है क्योंकि वॉइस बॉक्स छोटा होता है। जब प्यूबर्टी की एज में आ जाते हैं इन केस ऑफ बॉयज, गर्ल्स के केस में ये अपीयर नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है ज़्यादा, बॉयज़ के केस में ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि बॉयज़ के केस में जो वॉइस बॉक्स है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ग्रो करता है, इसलिए अलग से एडम्स एप्पल दिखाई देता है। समझ में आ गया, गर्ल्स के केस में ये ज़्यादा आपको उभरा हुआ नज़र नहीं आएगा क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स होता है वो छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड इंक्रीज हो जाती है, मीन्स बॉडी में से, क्योंकि आपको पता है हमारी स्किन में कुछ स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड मीन्स जिनसे आपको पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, और दूसरा होता है सेबेसियस ग्लैंड मीन्स ऑयल ग्लैंड होती हैं। आपने देखा होगा कई बच्चों, कई लोगों का फेस जो है वो ऑयली होता है, थोड़ी देर में ऑयल ऑयल सा उनके चेहरे पे आने लगता है, तो इट मीन्स उनकी स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा हैं, और जनरली इस प्यूबर्टी की एज में ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा डेवलप होती हैं गर्ल्स के और बॉयज़ के केस में। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे छोटे छोटे एक्ने या पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑयल ग्लैंड। ठीक है, कहते हैं ना मुहासे, कील मुहासे, ये इसलिए निकल आते हैं क्योंकि इसी एज में ऑयल ग्लैंड जो हैं वो हमारी डेवलपमेंट उनमें ज़्यादा होता है, सेक्रेशन उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड के कारण ही हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, मीन्स पिंपल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। अब हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो हैं बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, रिलीज देयर सेक्रेशन थ्रू डक्ट। डक्ट का मतलब होता है छोटे पाइप्स, ऐसी ग्लैंड जो अपने उनमें से जो भी सेक्रेशन हो रहा है वो पाइप के थ्रू हो रहा है। आपको बॉडी से मैं आपको पता नहीं लग रहा है, वो एक कहीं और जगह से सेक्रेशन हो रहा है और उसका वहाँ से पाइप आ रहा है और कहाँ तक, चेहरे तक या अलग अलग बॉडी पार्ट तक, और वहाँ पे जाकर के वो रिलीज हो जा रहा है। ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एग्जोक्राइन ग्लैंड्स, एग्जो मतलब जो बाहर रिलीज करती हैं। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का मीन्स ये बेसिकली हार्मोन्स रिलीज करती हैं बस, और डायरेक्ट कहाँ पर रिलीज करती हैं, ब्लड में। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड आपके गले में होती है, ब्रेन में होती है, बहुत सारी जगह होती है, अभी पढ़ेंगे हम। ये डायरेक्ट अपना सेक्रेशन ब्लड में ही, इनका हार्मोन मिक्स हो जाते हैं, लेकिन हार्मोन वहीं जाके एक्ट करते हैं जहाँ पे उसका काम है। ठीक है, दीज ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम सो दे आर टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड में ही ये अपना सेक्रेशन रिलीज करती हैं, तो इनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो बच्चों आज आप ये काम कंप्लीट करोगे, इससे आगे का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।